मैं कपिल कांसरमा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी पुलिस दरोगा के 5,624 पदों का विज्ञापन जल्द होगा जारी। लग जाइए भाई, लग जाइए, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिना तैयारी के नहीं बना जा सकता दरोगा। और दरोगा बनने के लिए आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी, दौड़ की तैयारी भी करनी होगी। सारी खबर को यहाँ पर देखना होगा। देखिए, देखते हैं क्या आई है खबर न्यूज़पेपर में। देखिए क्या खबर आई है, दरोगा भर्ती को जल्द जारी होगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि जल्द दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा दरोगा भर्ती का विज्ञापन। इसी वर्ष गर्मी में लिखित परीक्षा। गर्मी अब शुरू भी हो चुकी है, लगभग हल्की हल्की गर्मी, तो ये मान के चले कि गर्मी का मतलब जून जुलाई के आसपास आपकी जो है परीक्षा, अगर इसकी बात मान ली जाए तो हो सकती है, और सर्दी में दौड़ कराने की तैयारी है, और इसके वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, मतलब लगभग ये मान के चले कि मार्च से लेकर और दिसंबर तक ये पूरी करने की बात कर रहे हैं। लगभग आपके पास 9-10 महीने का यहाँ पर समय बाकी है। पुरुष महिला आरक्षी जेल वार्डन के 3,638 पदों पर, देखिए 3,638 जेल वार्डन के पद भी हैं, आरक्षी घुड़सवार के 102 पद भी हैं, और फायर मैन पुरुष के 2,065 पदों पर चयन की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर चल रही है। इनकी भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है। बताया गया है कि जेल वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में कुछ संशोधन होने हैं। जेल वार्डन के पदों पर परीक्षा का टेंडर हो गया है, और रेडियो पुलिस में भी भर्ती प्रस्तावित है, मतलब रेडियो पुलिस के लिए भी यहाँ पर भर्ती है, वैकेंसी है। नियमावली में दिव्यांग से जुड़े कुछ बदलावों के बाद यहाँ पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मृतक आश्रितों के 1,657 पदों पर भी भर्ती होगी, ठीक है। अब तक हुई भर्तियों में मृतक आश्रित सीधी भर्ती के 1,157 पद भी शामिल हैं। डीजी ने बताया कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में मृतक आश्रित के 1,156 पदों पर भर्ती हुई है। अब मृतक आश्रित कोटे में एक भी भर्ती लंबित नहीं है, और इस वर्ष 29 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन प्राप्त हुआ है। न्यायालय की सुरक्षा को होगी अलग फोर्स, ये भी आपके लिए नए पद सर्जित हो जाएंगे। फिर अपर मुख्य सचिवालय गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। नागरिक पुलिस पीएससी से जवानों को लेकर जल्द स्पेशल फोर्स के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये पूरी जानकारी जो रही है वो किसके बारे में रही है, कुल मिलाकर दरोगा की भर्ती के बारे में। तो आपका विज्ञापन जल्द जारी होगा भाई, लग जाइए तैयारी में, हम आपके साथ पूरी तरह से, आप जैसा कहेंगे वैसा हम आपके लिए हर समय तैयार हैं। तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और साथ साथ हम आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।